68वीं राज्य स्तरीय नेटबॉल 17वां 19 वर्ष छात्र खेलकूद प्रतियोगिता 2024 का रंगारंग आगाज अरविंद पवेलियन सिरोही में हुआ। प्रतियोगिता में राजस्थान के 50 जिलों से 100 टीमों के 1200 खिलाड़ी, नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी सहित लगभग 2000 लोगों का खेल महाकुंभ 10 अक्टूबर तक चलेगा। माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन माल्यार्पण से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए सांसद लुम्बा राम चौधरी ने कहा कि खेलकूद से मनुष्य स्वस्थ रहता है। सर्वांगीण विकास का आधार खेल है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास रहता है। जो खेलकूद में हमेशा लगा रहेगा वह हमेशा प्रसन्न व स्वस्थ रहेगा। जिला प्रमुख अर्जुन राम पुरोहित ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि खेल शिक्षा का अभिनव अंग है। खेलों से शारीरिक मानसिक कौशल, सोचने समझने की शक्ति, निर्णय क्षमता का विकास, सहयोग की भावना का विकास होता है। संयुक्त संचालन सचिव एवं प्रधानाचार्य पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही हीरा खत्री एवं मीडिया प्रभारी गोपाल सिंह राव के अनुसार कार्यक्रम में सांसद लुम्बा राम चौधरी, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रक्षा भंडारी, भाजपा किसान मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष गणपत सिंह राठौर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। बालिकाओं के दल ने भारती बारट, कस्मो परमार, नीतू मिश्रा, भारती सुथार के ऐतिहासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उप प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह आड़ावा, मीडिया प्रभारी गोपाल सिंह राव ने बताया कि सिरोही के अरविंद पवेलियन में उप जिला शिक्षा अधिकारी खेलकूद लेरा रामवा वेर सिंह देवड़ा के मार्गदर्शन में 8 खेल मैदानों में 4 से 10 अक्टूबर तक लीग व नॉकआउट मैच होंगे, जिसमें एक दिन में लगभग 64 मैच होंगे। बता दें कि कार्यक्रम में भामाशाही भव्य सम्मान अतिथियों ने किया। मैं लुम्बा राम चौधरी, सांसद जालौर सिरोही चांचौर, शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर द्वारा आयोजित 68वीं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय राज्य स्तरीय छात्र खेलकूद प्रतियोगिता 2024-2025 के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। सभी आयोजनकर्ताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जो हमें बुलाया, सम्मान किया, उसके लिए आपका तहे दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जागरूक टाइम्स के लिए चंपालाल माली की रिपोर्ट।